मारुति सुजुकी अर्टिगा देश की अब तक की सबसे सफल एमपीवी 2012 में लॉन्च हो गई थी और तब से अब तक सबकी चहेती बन गई है अर्टिगा। मारुति ने सबसे पहले अर्टिगा को डीजल पेट्रोल और उसके बाद सीएनजी में उतारा था, लेकिन पिछले साल BS6 नॉर्म्स के चलते मारुति को उसके डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। उस वक्त वो मारुति का सही डिसीजन था, क्योंकि BS6 पर मारुति की जो कॉस्टिंग थी वो डीजल इंजन पर कंपनी पर कॉस्टली पड़ रही थी और मारुति कॉस्ट इफेक्टिव कार बनाने के लिए जानी जाती है और उस डीजल इंजन पर कार की कॉस्ट 3 to 3.5 lakh बढ़ जाती और वो सही नहीं था। लेकिन अब हमें एक अच्छी खबर मिली है कि मारुति सुजुकी फिर से डीजल इंजन में वापस आने वाली है। लेकिन मारुति सुजुकी ने डीजल इंजन का डिसीजन फिर से क्यों ले लिया? अभी डीजल इंजन बंद करने के बाद भी उनका सेल्स फिगर बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। बहुत सारी कार्स इनकी पेट्रोल में ही बिक रही है, मगर यूजर्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कुछ कार्स को वो डीजल इंजन में ही देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए मारुति सुजुकी ने कुछ चुनिंदा कार सिलेक्ट की है और उनमें वो डीजल इंजन इंट्रोड्यूस करने वाला है, क्योंकि अगले 4-5 साल का मारुति का प्लान कुछ अलग है। मारुति अगले 4-5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा कार्स इलेक्ट्रिफाई करने वाली है, तो 4-5 साल में इलेक्ट्रिक कार्स देखने को तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो सिलेक्टेड कार्स हैं, जैसे कि विटारा ब्रेजा, अर्टिगा, XL6, ये सारी कार्स हमें डीजल इंजन में देखने को मिलेगी और इन सब कारों में एक ही डीजल इंजन रहने वाला है और वो भी 1.5 लीटर का, जिसमें जो पुराना BS4 डीजल इंजन था वो भी 1.5 लीटर में ही आता था और उसके कुछ इंजन फिगर ऐसी थी, 94 bhp की पावर एट 4000 rpm, 225 nm का टॉर्क एट 1500 rpm। और जो नया BS6 में आने वाला है वो भी 1.5 लीटर ही है। सबसे पहले ये इंजन इंट्रोड्यूस होने वाला है विटारा ब्रेजा के अंदर और उसके बाद आएगा अल्टिगा में और फिर आएगा XL6 में। और ये जर्नी अगर सक्सेसफुल रहेगी तो हमें ये इंजन मारुति की बाकी कार्स में हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं अल्टिगा डीजल में जो इंजन मिलेगा वो कैसा रहेगा। 4 सिलेंडर 1.5 लीटर डीजल इंजन, मैक्स पावर 95 bhp एट 4000 rpm, मैक्स टॉर्क 225 nm एट 1500 rpm। इसमें हमें ट्रांसमिशन 6-speed ऑटोमेटिक एंड 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों रहेगा और इसका एक्सपेक्टेड माइलेज रहेगा 23 to 25। हमें सबसे पहले डीजल इंजन विटारा ब्रेजा में देखने को मिलने वाला है और विटारा ब्रेजा का इंजन थोड़ा सा पावरफुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा इंजन ट्यून करके थोड़ी सी पावर कम की जाएगी, वो भी सिर्फ माइलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन टॉर्क लगभग उतना ही रहने वाला है, यानी कि 225 nm। इसकी वजह से हिल्स और हार्ड सेक्शन में गाड़ी चलाना इजी रहेगा। अर्टिगा डीजल पुराने वाले प्लेटफॉर्म पर ही डिज़ाइन होगी, जो कि इसका एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। अर्टिगा जैसी कार डीजल इंजन में ना होना गाड़ी में जान ना होने के बराबर है, क्योंकि ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बेची जाती है ट्रैवल बिजनेस के लिए और फैमिली यूज़ के लिए। फाइनली अब इसके लॉन्चिंग की बात कर लेते हैं। अर्टिगा की एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग होने वाली है 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में, मीन्स नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सबसे पहले ये इंजन आएगा विटारा ब्रेजा के अंदर अक्टूबर नवंबर में, यानी दिवाली के आसपास, और उसके बाद अर्टिगा में। तो इसकी अब प्राइस की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाली है फ्रेंड्स, 9.5 lakh to 12 lakh। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और आगे की ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय बाय, टेक केयर।